बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। आइए जान लेते हैं बिजनौर की बड़ी खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई महिला हेल्प डेस्क का जनपद के सभी थानों में लोकार्पण किया गया। डीएम, एसपी और सदर विधायक ने महिला हेल्प डेस्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। शुक्रवार को जनपद के सभी थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क का शुभारंभ किया गया। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान को लाइव संबोधित किया। शहर कोतवाली थाने में मुख्यमंत्री का लाइव प्रोग्राम दिखाया गया, जिसके बाद जनपद के सभी थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क का संचालन शुरू किया गया। नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। आइए जान लेते हैं बिजनौर की बड़ी खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गई महिला हेल्प डेस्क का जनपद के सभी थानों में लोकार्पण किया गया। डीएम, एसपी और सदर विधायक ने महिला हेल्प डेस्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। शुक्रवार को जनपद के सभी थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क का शुभारंभ किया गया। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान को लाइव संबोधित किया। शहर कोतवाली थाने में मुख्यमंत्री का लाइव प्रोग्राम दिखाया गया, जिसके बाद जनपद के सभी थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क का संचालन शुरू किया गया।